जहां एक तरफ सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने और साथ ही क्रमोन्नत करने का ढोल पीटती नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर राजसमंद जिले में रेल मगरा पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सिंधी कुआं में एकदम इसके नजारा उलट देखने को मिला। यहां के कुंवरिया सर्कल में एक स्कूल ऐसा भी है जिसे सरकार ने 7 साल पहले ही बंद कर दिया। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो ये स्कूल बच्चों की कम संख्या के चलते बंद किया गया था, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी इस गांव के करीब 40 से 45 बच्चे गांव से 4 किलोमीटर दूर स्थित खंडेर जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल खुलवाने के लिए सरपंच से लेकर मंत्री तक शिकायत की, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं होने से बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें अभी भी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम कम से कम 2 साल से प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भी भेज रखा है डीओ ऑफिस राजसमंद, और उन्होंने जयपुर भी फाइल भिजवाई है, मगर अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है और स्कूल चालू नहीं हुई है। सारे ग्रामवासी जो है परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, और बच्चे को भविष्य को देखते हुए स्कूल जल्दी से जल्दी चालू करवाने का मैं भी प्रयास कर रही हूँ और आगे भी भेज रहे हैं, मगर सरकार थोड़ा ध्यान देवे तो बच्चों का जीवन सुधर जाएगा।